Sorry. और मैंने लिखा उसके साथ सकिंग द ब्लड ऑफ द नेशन सो दैट्स मच आई हेट इट एंड आई थिंक मैं बड़ा उस जमाने में मेरा बड़ा रिबेलियन था जिया के ख़िलाफ़ हालांकि मैं चीज़ों को समझता नहीं था एच एस एन कॉलेज में मैं पढ़ता था और जो जिया का कल्चर था उसने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी सीपेन कर चुका था और वो इंतहाई अथॉरिटेरियन किस्म का कल्चर था और वो इसी तरह समझते थे जैसे बच्चे भी जो है ना वो फ़ौजी हैं हर बंदा ही फ़ौजी है सिटीज़न फ़ौजी है और उसको भी यूँ यूँ बाल कटाने हैं और यूँ उसने ये कपड़े पहनने हैं और ये करना है वो करना है फलाना तो मेरा बड़ा सीरियस उसके ख़िलाफ़ ना मुझे रिबेलियन हो गया Uh, मिसाल तौर तो पर जैसी स्कूल में तो डिसिप्लिन था ही जैसे ही मैं स्कूल से बाहर निकला तो मैंने अपने बाल यहाँ लंबे कर लिए मैंने दाढ़ी उगा लिए फटे हुए कपड़े पहनने शुरू कर दिए फटी हुई जीन्स वगैरह किसी और वजह से नहीं सवाया कि मुझे ना कि आप किसी और तरह से नहीं सोच सकते आप इसी तरह से सोच सकते हैं और जिस तरह से आपको कहा जा रहा है कि आप सोचें उसके असरात जो सोसाइटी पर मुरतब हो रहे थे वो बहुत ही मनफी थे तो इसलिए मैं उसके फेवर में नहीं था सही। तो आ, बाद में फिर ऑब्वियसली काफ़ी सारी नई चीज़ें और बहुत कुछ समझ आया और पता चला बट ज्या की पीरियड का अब मैं ये देखता हूँ उस वक्त तो एक्सपीरियंस कर रहा था मगर अब मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे जो आज पाकिस्तान के मसाइल हैं वो असल में उस पीरियड में पैदा हुए इंक्लूडिंग इंटॉलरेंस एक्सट्रीमिज़म ड्रग ड्रग्स जो इधर फैले तेज़ी से आर्म्स जो यहाँ पे फैले वायलेंट कल्चर यहाँ पे फैला जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस को नुकसान हुआ उस मिलिट्री डिकेटरशिप में जो प्लूरलिज्म को नुकसान हुआ सारा बहुत yes, hmm. ये नागुजर है कि वो सब कुछ खत्म होगा क्योंकि वो तारीख़ के धारे के बिल्कुल उलट है और जो भी चीज़ तारीख के धारे की उलट होती है वो नहीं सर्वाइव नहीं कर पा नहीं सर्वाइव बट लाइको टेक द फ्लैग मतलब फ्ला, इसका फ्लैग कौन होगा? इसका फ्लैग बेरर हम सभी होंगे और हैं ऑलरेडी और सबसे बढ़कर सोशल मीडिया <laughs> <laughs> सबसे <बड़े> तो आप <laughs> हैं तो है इस मामले में क्योंकि अब सोशल मीडिया की वजह से न सिर्फ आप जैसे लोग हर किसी के घर में या बल्कि उनके पर्सनल फोन में लोग आपको सुन सकते हैं बल्कि लोग जो है वो पूरी दुनिया को देख सकते हैं अब पहले वाले जब हम छोटे होते थे तो हम सिर्फ कोई कसेट वीएचएस की कसेट पे देख लेते कि अमेरिका में ये हो रहा है बीबीसी वो कह रहा है कोई एक्सेस नहीं था दुनिया के बारे में इंडिया के बारे में हमारा जो इंप्रेशन था हमें कभी पता ही नहीं था इंडिया में एक्चुअली क्या हो रहा है अब तो ऐसी दुनिया नहीं है अब आप फ़ोन खोलें और किसी से बात कर लें वो कैनेडा बैठा है तो आप उसे गप्पे लगाएं उसे आप मर्जी करें सो अब इंफॉर्मेशन बहुत खुल गई है और अब उस तरह से लोगों को जो है ना आप कुएँ में नहीं रख सकते Hmm. unless you become north korea unless you become north korea or something like that <laughs> you think yes. we're going towards that route no we can't uh, aisa yeah. nahi hai hmm. in fact pakistan ke andar uh, substantial internet freedom hai mm. अब अलग मुझे पता है आप इस पर नाराज होंगे मुझसे <laughs> <laughs> नहीं, नहीं, नहीं। कि जो कुछ होता वैसे है वैसे मैंने एक, एक फैक्ट पढ़ा था कि पाकिस्तान में दुनिया की सबसे ज्यादा इंटरनेट पेनेट पेनिट्रेशन इज इन पाकिस्तान hmm. That is absolutely correct, and I always wondered why. वेल आई थिंक और uh, सस्ता भी बहुत है हाँ एक तो हमारे पास सेल फोन बहुत आ गए हैं क्योंकि चाइनीज सस्ते सेल फोन हमारे पास फिर लिंक वगैरह और दूसरे सॉरी मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था किसी okay, ब्रांड का okay. हाँ मगर उन्होंने बड़ी मार्केटिंग की कि भाई हम नारा थ्री जी फोर जी कनेक्शन आप खरीदें और लोगों ने ये सोचा कि टीवी पे तो कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग सोशल मीडिया पे इंटरेस्टिंग है तो मैं तो आपको पता है लेबर में काम करता हूँ तो भट्टा मजदूर जब थोड़े से पैसे जमा कर लेता है वो टीवी नहीं खरीदता वो रेडियो फोन, नहीं खरीदता फोनलेस फोन लेता उस फोन है, लेता है। उस पर थ्री जी कनेक्शन लगाता है वो कहता है मैं टिकटॉक करूंगा <laughs> <हुँ। laughs> <हुँ। laughs> <सही। laughs> अगर आपने एक क्लिप एंजॉय किया तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे बहुत शुक्रिया